हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है, हमने दोपहर से स्टार्ट किया है। सुबह घर का काम काफ़ी सारा हो जाता है और जुमा के दिन तो थोड़ा लेट ही हो जाता है घर का काम ना। तो चलें फिर चलते हैं बाहर। और मैं लाई थी कल, थर्सडे था ना, तो कल हमारे यहाँ जो बाजार लगता है थर्सडे वाला, तो उसमें पौधे बिकते हैं। तो मैं हरी मिर्च के जो पौधे होते हैं वो लाई, और बैंगन के और गेंदे के फूल के लाई थी। तो वो मैंने ना फ्रिज में रख दिए। तो कल रात को लेकर आई थी, तो रात को तो मैं लगा नहीं पाई क्योंकि रात हो गई थी। और सुबह से फिर मैं काम में लगी हुई हूँ घर के, और अब मैं लगाऊंगी पौधे क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ काम से। तो चलें दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से पौधे लाई हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे जैसे लेके आई खरीद के, ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख दिए। तो अब हम इन्हें लगाएंगे मिट्टी में। लो, अब इन्हें लगाने जा रही थी तो हमारे घर हमारे जानकार हैं, वो भैया वो आए हैं। तो चलो अभी थोड़ी देर फिर फ्रिज में रख देते हो, थोड़ी देर में लगाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? वो जा चुके हैं जो आए थे, हमारे भतीजे लगते हैं, अब वो गए हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं, पौधे निकालते हैं और उन्हें सेट करेंगे क्यारी में, क्योंकि क्यारी में कम जगह है। तो पौधे मैं ज़्यादा ले आई हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किधर किधर लगाने हैं पौधे। तो ये देखिए, मैंने रात से रखे थे, बिल्कुल फ्रेश हैं। ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल फ्रेश हैं क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिए थे लाते ही। तो चलते हैं और लगाएंगे इनको, पौधों को। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बाहर आई पौधे लगाने, तो मैं सोची थी कैमरा कौन पकड़ेगा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और आसी और सानू सो रहे हैं और समीर चला गया है ट्यूशन। अब मैं सोची थी मैं पौधे लगाऊंगी तो वीडियो कौन शूट करेगा, तो मुझे अंकल जी दिखाई देंगे जो हमारे माली अंकल हैं ये। तो ये आ जाते हैं पौधे वगैरह लगाने या फिर घास वगैरह का कोई काम करवाना हो तो यही आते हैं। नमस्कार, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। तो ये अंकल जी हैं, तो ये हमारे माली अंकल। बेर का पेड़ है तो ये गुठली से उग गया था, तो इसे मैं बाहर लगवाऊंगी क्योंकि कहते हैं कि घर के अंदर ना बेर का पेड़ अच्छा नहीं होता, लगाना नहीं चाहिए। तो इसलिए तो इसे मैं हटवा रही हूँ, अंकल जी लगा के जाएंगे, इन्हें अच्छे से पता है। अब इस पेड़ को यहाँ से उखड़वा के दूसरी जगह लगाऊँ और वो सूख गया, तो इसलिए मैंने कहा अंकल जी आप ही लगा लो। नहीं सूखेगा, हाँ वो तो खैर है, किसी भी चीज़ को आप उसकी जगह से हटाओगे, हाँ किसी भी चीज़ को आप उसकी जगह से हटाओगे तो सूखेगा ही वो ना। इस वाले पेड़ को यहाँ से उखाड़ के हम घर के बाहर लगाएंगे, क्योंकि बेर का पेड़ घर में लगाते नहीं। नहीं अंकल जी यही है बस, अच्छा, आप बस यही वाला बाहर लगा दो। चले पानी लेके चलते हैं, अंकल जी पानी मंगा रहे हैं उसमें डालने के लिए। सारे मंत्र इसी पेड़ पर पढ़ दोगे क्या आप? सूखना नहीं चाहिए, आपके मंत्र फेल नहीं होने चाहिए अंकल जी। पर इसे सपोर्ट तो दे दो ये वाला डंडा लगा के। तो फ्रेंड्स, अंकल जी अब चले गए, अंकल जी को कुछ काम था तो वो रास्ते से जा रहे थे, तो बस मैंने वो बीड़ वाला पेड़ को उखड़वा के बाहर लगवा दिया। और अब ये जो पौधे हैं जो मैं लाई हूँ ये वाली, तो इन्हें अब मैं इधर लगा दूंगी। और मेरे पास जगह थोड़ी कम है कच्ची, क्योंकि हमने सारे में फर्श करा रखा है, तो इतनी जगह में मैं सोची इधर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे मिट्टी में, और कहीं कहीं ये वाले पौधे लगा देंगे बीच बीच में। तो ये लगा लेते हैं चले, क्योंकि अब मेरे पास कोई है नहीं मोबाइल पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है, तो मुझे ये सेट करना पड़ेगा किसी चीज़ पे।
तो फ्रेंड्स मैं लगा रही थी पौधे, तो आसिया आ गई है जग के, क्योंकि मैंने कैमरा दूर रख दिया था, मैं दूर दिखाई दे रही थी, और अब आसिया आ गई है तो कैमरा मैं आसी को दे दूंगी। तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि जो मैंने परसों अपलोड की थी जो वीडियो, जो मम्मी जी पापा जी उमरा से आए थे बैक वाली, तो उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए आप लोगों का सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए पौधे लगा लेते हैं पूरे, क्योंकि मैंने अभी कुछ पेड़ तो ये मिर्च के लगा दिए हैं। आसी आ गई है तो मैं कह रही हूँ आसी फ़ोन पकड़ ले कैमरे को थोड़ा सा शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने वो पहले पेड़ पे ही रख दिया था फ़ोन को। तो चलो पौधे लगा लेते हैं, लगा दिए लेकिन पास पास लगाए हैं ज़्यादा, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, जो कोई पौधा सूखेगा सूख जाएगा, इसलिए पास लगा दिए और जगह भी नहीं है कोई। तो यहाँ लगा दिया मैंने अभी कुछ पौधे जो बचे हैं, क्योंकि पौधे ज़्यादा हो रहे हैं, जगह कम हो रही है। और ये जो जगह है ना मेरे पास क्यारी में, इधर मैं बीच में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गुगली घूमती है और खोदती रहती है वो मिट्टी, तो सारे पौधे ख़राब कर देगी वो, इसलिए इधर इधर लगा देंगे साइड साइड में ऐसे कॉर्नर पर। सारे पौधे लगा दिए हैं और जहाँ जहाँ जगह मिली ना वहाँ वहाँ मैंने सारे पौधे सेट कर दिए हैं मिट्टी में, कुछ तो वहाँ लेकिन बहुत पास पास लगा दिए क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो जो क्यारी है उसके बीच में नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ पे ना गुगली ना मिट्टी खोदती है तो वो पौधे खोद देगी, सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ना जहाँ जगह मिली है वहाँ लगा दिए हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ लगाया, लेकिन बहुत करीब करीब लगा दिए हैं। ये देखिए सारे बैंगन के पौधे लगा दिए हैं और मिर्च के लगा दिए हैं, लेकिन लगाए बहुत पास। और इधर वाली जो मिट्टी छोड़ी है ना मैंने, ये थोड़े धनिया के बीज डालेंगे, हरा धनिया, तो हरा धनिया घर का होता है, उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है सब्जी में डालने से, तो इसलिए मैं यहाँ पे हरा धनिया लगाऊंगी। तो आज मैंने टाइम मिला तो मैंने अपने गार्डन का काम किया है, क्योंकि घर में जो सब्जी लगती है ना उसकी तो बात ही कुछ और होती है। आप मार्केट से लाते लगती तो सब चीज़ वही है, पता नहीं क्यों टेस्ट बहुत आता है घर की सब्जियों में ना। फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है और मुझे खाना बनाना था, लेकिन मुझे एक काम याद आ गया, जो पापा जी ने कहा था मुझे कि ना खजूर और जमजम का पानी है जो दे के आना था कई घरों में, तो वो मैं भूल गई थी दोपहर को, मैं दे के नहीं आ पाई। तो अब मैं जाऊंगी ये खजूर और जमजम का पानी देने, तो इन्हें रख लेते हैं थैले में और दे के आते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और फिर आके खाना भी बनाना है मुझे। अब हम जा रहे हैं खजूर और जमजम का पानी देने, तो चलते हैं, दो तीन गलियों में देना है। तो आ चुके हैं देने खाला के घर। खाला खुला हुआ है गेट? गेट बंद है, कहाँ से आ जाओ? गेट बंद है। आ गए हैं हम खाला के घर, तो रुक दे रहे। अस्सलाम वालेकुम खाला। ठीक है? हाँ मैं ठीक। तो फ्रेंड्स देखे आगे हम तवर्रुक सभी के घर, खजूर और जमजम का पानी जो हमें दो चार घरों में देना था, तो हम देखे आगे और रात हो गई, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ फिर सूट नहीं किया और आ गई हूँ मैं घर पे। और मेरी एक फ्रेंड के घर ना ये पत्ते लगे हुए थे, ये पत्ते हैं उसके तेज पत्ता जो होता है ना गर्म मसाले में जो होते हैं, ये वो पत्ते हैं, तो ये पत्ते मैं उनके घर से लेके आई हूँ, उनने मुझे दे दिए। कि ये पहले मेरे पास भी था इसका पेड़, लेकिन वो सूख गया था, तो उनके घर बड़ा हो रहा था ये पेड़, तो उनने मुझे पत्ते दे दिए। बना लेते हैं खाना, और टाइम 6:30 बज चुके हैं शाम के, और अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि खाना मुझे भेजना है मस्जिद में, तो लेट हो गया, तो चलिए खाना बना लेते हैं जल्दी से। और इधर चावल भी बन चुके हैं, चावल तैयार हो गए, और इधर सब्जी तैयार हो गई कुकर में, और ये हमारी मरमूटी, पापा जी खाना खाने आने वाले हैं। का डिनर हो चुका है, तो जो मस्जिद जाना था खाना, तो मस्जिद तो नहीं गया, वो हाफिज़ जी बोले कि मैं घर पर ही आके खा लूँगा, तो घर पर खाना खा रहे हैं पीछे वाले रूम में हमारे हस्बैंड, और वो खाना खा रहे हैं, पापा जी ने खा लिया है, और
साहिल ने खा लिया, तो अभी चल गए हैं साहिल की पढ़ाई। आजकल आप देख रहे होंगे कि पबजी पढ़ाई कर रहा है, पबजी देखो पढ़ाई कर रहा है आजकल, पबजी छोड़ दिया इसने, आजकल पढ़ाई में ध्यान लगा लिया इसने। तो चलो रात का तो अब काम हो चुका है और अब करेंगे बर्तन साफ, खाना वगैरह सब ने खा लिया, बर्तन पड़े अभी बर्तन धोने मुझे, और रात के 9:15 बज गए हैं, तो चले कर लेते हैं वो भी काम। खाना पीना सब हो गया और रात के बज चुके हैं 10, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट खाना खाया, सबने खा लिया, फिर बर्तन साफ किए, फिर थोड़ा सा घर में जो बच्चे फैला देते हैं दर्द सामान, फिर वो किया, उसके बाद मैंने अब खाना खाया है रात को 9:45 बजे करीब। और आप देख सकते हैं बाहर रात हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, हो चुकी है रात। अब करते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।